हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा धनेरवा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फेवरेट में। आज हम जानेंगे मदुरई शहर के एक ऐसे स्थान के बारे में जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मदुरई के पवित्र शहर ने महात्मा गांधी जी के जीवन और हमारे देश की कई विषमताओं और औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शहर देश के उन पहले शहरों में से एक है जहां मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध मंदिर सभी के लिए खोला जा रहा है। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के साथ शानदार मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश किया था, जो अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई में एक ऐतिहासिक कदम था। गांधी स्मारक संग्रहालय महात्मा गांधी जी के जीवन के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक है। आज हम इन्हीं पहलुओं के बारे में बात करेंगे। गांधी स्मारक संग्रहालय न केवल महात्मा गांधी के पहलुओं की एक झलक प्रस्तुत करता है बल्कि एक उच्च ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। मूल रूप से नायक वंश की रानी मंगमल का महल इस इमारत ने बदलते दशकों के साथ कई शासकों को देखा है। एक तरह से यह इतिहास के एक समय से दूसरे बिंदु पर संक्रमण का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह निर्विवाद रूप से उन जगहों में से एक है जिसे मदुरई दौरे पर जाने से पहले नहीं चूकना चाहिए। आगंतुकों और निवासियों के लाभ के लिए संग्रहालय में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जाती है। विभिन्न प्रकार की कक्षाएं जो प्रतिदिन आयोजित की जाती हैं, जैसे स्वयं रोजगार कक्षाएं, हिंदी और संस्कृत पाठ्यक्रम, योग कक्षाएं, प्राणायाम और ध्यान कक्षाएं और भी बहुत कुछ। त्योहारों को भी बड़े चाव से मनाता है। उदाहरण के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हर साल 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में देश भर से विभिन्न प्रसिद्ध वक्ताओं को और कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। चलिए इस गांधी स्मारक संग्रहालय का इतिहास जानते हैं। मदुरई का वर्तमान गांधी स्मारक संग्रहालय एक ऐतिहासिक इमारत है। यह नायक वंश की रानी मंगमल का महल हुआ करता था, जो कि तमुक्कम पैलेस के रूप में जाना जाता है। यह 1670 ईस्वी सन के आसपास बनाया गया था, जो 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महल वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो हर आगंतुक को आकर्षित करता है।
हालांकि बाद में यह महल अन्य राजवंशों के शासकों और औपनिवेशिक युग के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया है। यह मदुरई के ब्रिटिश जिला कलेक्टर का आधिकारिक निवास हुआ करता था। जब यह महल तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय गांधी स्मारक निधि को उपहार में दिया गया था। यह मदुरई में गांधी स्मारक संग्रहालय बनाने के उद्देश्य से किया गया था। यह संग्रहालय गांधी स्मारक निधि द्वारा बनाया गया था और उसी द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। इसका उद्घाटन 1959 के वर्ष में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। गांधी स्मारक संग्रहालय न केवल एक समृद्ध संग्रहालय का दावा करता है बल्कि एक आकर्षक वास्तुकला भी प्रस्तुत करता है। कभी नाइक के शासनकाल के दौरान रानी मंगमल से संबंधित तमुक्कम नाम का एक महल था। यह इमारत एक सुंदर संरचना है जो प्रशंसा के योग्य है। संग्रहालय के मुख्य भवन के सामने आप एक झोपड़ी देख सकते हैं, जिसका नाम गांधी कुटीर है। यह मुख्य भवन के दक्षिण की ओर थोड़ा सा स्थित है। इसे सेवाग्राम में महात्मा गांधी की मूल झोपड़ी के प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। भवन के भूतल में खादी और ग्रामोद्योग का एक खंड है, जहां आप विभिन्न ग्रामोद्योग देख सकते हैं जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। भवन के उत्तरी भाग में 20,000 से अधिक खंडों वाला एक पुस्तकालय है। यहाँ महात्मा गांधी जी के लगभग 2,70,000 पत्र और माइक्रोफिल्म की कई रीलें मिल सकती है। यहाँ एक ओपन एयर थिएटर भी है। यह संग्रहालय के मुख्य भवन के दक्षिण में स्थित है। इस विशाल ओपन एयर थिएटर में लगभग 8,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस थिएटर में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक बैठकें और शो आयोजित किए जाते हैं। भवन के उत्तरी भाग में एक नवनिर्मित विंग है, जिसमें एक पुस्तकालय भी है।
स्मारक संग्रहालय में विभिन्न खंड है। प्रत्येक खंड महात्मा गांधी जी के जीवन में एक शिखर प्रस्तुत करता है। मदुरई के गांधी स्मारक संग्रहालय में 3 प्रमुख खंड है, जिनके नाम है इंडिया फाइट्स फॉर फ्रीडम, महात्मा गांधी की दृश्य जीवनी और महात्मा गांधी पर एक फिलोटेलिक गैलरी के साथ अवशेष और प्रकृतियां हैं। इंडिया फाइट्स फॉर फ्रीडम खंड में 30 पैनलों के लगभग 265 चित्रण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करता है। इस खंड में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाले पैनल की एक विस्तृत श्रृंखला है। संग्रहालय के इस खंड के लिए महल के दरबार हॉल का उपयोग किया गया है। गांधी मदुरई की दृश्य जीवनी। इस खंड में महात्मा गांधी के बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम चरणों तक की लगभग 124 तस्वीरें शामिल हैं। महात्मा गांधी जी से संबंधित विभिन्न पांडुलिपियां, पेंटिंग और मूर्तियां भी हैं। इसमें उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के विभिन्न उद्धरण और फोटोस्टेट भी है। ये प्रदर्शन आगंतुकों को हमारे देश के इस महान व्यक्ति के जीवन को समझाने और जानने का अवसर प्रदान करते हैं। स्मारक संग्रहालय मदुरई में अवशेष और प्रतिकृतियां संग्रहालय के सबसे दिलचस्प खंडों में से एक है। यह हिस्सा लगभग 100 कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जिनका उपयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, जिसमें एक खून से सना कपड़ा भी शामिल है, जिसका उपयोग उनकी हत्या के दिन उनके द्वारा किया गया था। कपड़े के इस टुकड़े को, जिसे मूल कपड़े की प्रतिकृति कहा जाता है, एक कांच के बक्से में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है।
इस खंड के अन्य अवशेषों में महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को लिखा गया एक पत्र भी शामिल है, जिसमें उन्होंने हिटलर को प्रिय मित्र के रूप में संबोधित किया है। देवकुट्टी के नारायण सत्संगी को व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा लिखा गया एक पत्र और महात्मा गांधी द्वारा सुब्रमण्यम भारती को बधाई पत्र, जो एक महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। संग्रहालय को अच्छे से देखना चाहते हैं तो यह संग्रहालय शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। गांधी स्मारक संग्रहालय के खुलने का समय 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। यह फिर से दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। गांधी मेमोरियल संग्रहालय मदुरई के तलाकुलम पैलेस के अंदर स्थित है और इस संग्रहालय में टैक्सी, बस, ऑटो रिक्शा के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह संग्रहालय मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जबकि मदुरई रेलवे स्टेशन से यह लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, यह थी गांधी स्मारक संग्रहालय की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने हमारा मदुरई टूर वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने और भी काफ़ी जगह के टूर वाले वीडियोस बनाए हैं जिनमें उनकी फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।